फिर से आ गए हम स्नोफॉल के बीच में, लेकिन इस बार हमारा गोगो भी साथ है और हमारे हिमाचली कपल। हेलो। इनका यूट्यूब चैनल का नाम है लेकिन अभी इनके कपल जोड़ा साथ में नहीं अभी है। हम अकेले हैं थोड़ा और हमारे दीपक भाई, और इधर है हमारे साजन भाई, वन एंड ओनली, जो खाने बनाने में मजा दिला देते हैं। नमस्कार। और हमारे दीपक भाई जो सारा टेक केयर करते हैं हमारे कैजुअल मॉन्क्स का खाने के अलावा, ये है हमारे दीपक भाई। और इधर है हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट वॉलेंट बड़े भी लोगर भाई साहब विकास कपूर। यो यो मैन। तो भाई लोगों, अगर आपने जिंदगी में कभी भी ये सोचा है कि स्नोफॉल में जाके थोड़ा डांस करेंगे, थोड़े मजे करेंगे, तो आइए जरूर इधर आइए और कैजुअल मॉन्क्स में हम मजा दिलाएंगे। दोस्तों, ये ड्रोन फुटेज देखते हुए सिर्फ एक बार सोचो कि आखिरकार मजा होता क्या है। थोड़ा अगर आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मजा मोमेंट्स में होता है, मोमेंट्स बनते हैं लोगों से। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आप इधर आते हैं तो आपको मजा दिलाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि आपको यहाँ आकर अपनेपन की फीलिंग आएगी। और आई थिंक वही डेफिनेशन है मजे की, क्योंकि नेचर तो अपना काम करेगा ही करेगा। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो वी लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक पहली चीज का एक मजा अलग होता है, चाहे वो पहला प्यार हो, चाहे वो पहला ब्रेकअप हो, चाहे वो पहला हवाई जहाज की ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज की ट्रेन वैसे नहीं होती, पर अगर चाहे वो पहली ट्रेन हो या चाहे वो हवाई जहाज हो, हर एक पहली चीज का कुछ अलग मजा है। लेकिन स्नोफॉल ऐसी चीज है कि जब भी बार बार होती है उतना ही मजा आता है। तो अगर आपने को भी ऐसा मजा लेना है इन वादियों में जहाँ पे स्नो के बाद सब एकदम साइलेंट हो जाता है, देयर इज नो नॉइज ऑफ एयर, नथिंग, जस्ट वाटर, साइलेंस, साइलेंस ऑफ माउंटेन्स। मैं पहाड़ हूँ और अक्सर तुम यहाँ आया करते हो कभी गम भुलाने या फिर कुछ पल बनाने। ये नदियाँ, पेड़, हवा, बर्फ देख कर लौट जाते हो अपने शहर वापस। मैं पहाड़ हूँ और ये सब मेरा हिस्सा है, मैं तो साइलेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अगली बार आओ तो ले जाना थोड़ा, क्या पता अपने शहर वापस लौट कर भी तुम मुझे पाओ अपने अंदर। एंड अगेन वी आर हियर एट कैजुअल मॉन्क्स से कुछ 4-5 मोड ऊपर आने के बाद, ये सेशन हमटा वैली है जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है और ना ही आपको टूरिस्ट मिलते हैं, क्योंकि टूरिस्ट साइलेंट वाली जगह को पसंद नहीं करते। तो अगर आप ट्रेवलर हो और आपको पीस पसंद है तो दिस इज द ब्यूटीफुल प्लेस फॉर यू। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है, तो अभी हमने जैसे अपनी जिप्सी को खोल दिया था पीछे कूल बनने के लिए, अब जिप्सी को ढकना पड़ेगा भाई, क्योंकि नहीं तो बर्फ के चक्कर में हो जाना है इसका काम। हाथ कतई ठंडे हो गए हैं भाई साहब, जिप्सी को हमने ढक दिया है लेकिन खतरनाक ठंडे हो गए, और मैंने कुछ ज़्यादा पहन नहीं रखा, मतलब प्राउड फील नहीं कर रहा इसमें, है बकवास ही बात, पर क्या करें, मतलब इतना सोचा नहीं था, लगा था कि ऐसे गाड़ी में बैठेंगे आ जाएंगे, ऐसे रुकने का प्लान नहीं था। उसका एक टांग पे किसी ने मार दिया यार, उसके बाद भी भाई अपना मजे मजे में है, प्यारा है। आ रहे हैं हमारे भावी यूट्यूबर, भावी इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, देखो पूरा डंडा लेके घूम रहे भाई। यो यो जमारा,
एक चीज मैंने नोटिस किया है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर का जमावड़ा देखना है तो आप हमेशा हिमाचल में आओ, तो यहाँ पे सारे सारे इन्फ्लुएंसर एक चार पांच जगह आपको ले जाएंगे। कौन सी जगह मैं बना देता हूँ, क्योंकि अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको मनाली लेह लद्दाख आना है, आना ही पड़ेगा। और लेह लद्दाख चले गए तो आप भावी बन जाओगे बड़े वाले, फिर आ जाएगा स्पीति, और ये सब कर लोगे ना, उसके बाद तुम क्या करोगे, सिर्फ अपने घर के दिखाओगे, देखो भाई दोस्तों आज मैंने ये खरीद लिया, देखो दोस्तों आज मैं शादी करने वाला हूँ, देखो मेरे दोस्तों। तो यही है फ्यूचर सारे व्लॉगर्स का, सारे व्लॉगर्स यही देखते हैं कि स्नो कब पड़ेगा और फिर बोलेंगे वाओ व्हाट अ स्नो बडी। बट भाई हमारा क्या है ना, हम तो वुडन हाउस एंड कैफे चलाते हैं, है ना, तो हमारा काम है लोगों को सेवा देना, और ये हमारा पर्पज है, ताकि आपको हम बता सकें कि हम सेवा कैसे देते हैं, समझ रहे हो बात को। चले आते हो रात को फिर कहते अंधेरा। और ये हमारे इन्फ्लुएंसर है, और इन्फ्लुएंसर को जब भी कोई कुत्ता मिल जाता है तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, सबसे पहले तो वो कुत्तों को देंगे तो देखो हमारा डॉगी गोगो आ गया। कुत्ता देखे ना आधी ऑडियंस वैसे भी उनको लगता है कि पता नहीं कितना क्यूट बंदा है, वैसे ये हमारा गोगो है, गोगो से मिल लो, गोगो सच में क्यूट है, वैसे ऐसे देखा जाए तो। बेचारे को थोड़ी लग गई है, इसका इलाज हम करेंगे। अब क्या प्लान है सर? सिड्डू खाएंगे सर, आपका प्लान है, हम तो गरीब आदमी है। तो अब हम जाएंगे सिड्डू खाने। कई बार मैंने तुम्हें बताया है कि सिड्डू जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 किलो हाथ वाला इंसान मतलब सनी देओल भी हर महीने एक बार आता है सिड्डू खाने कालजा घंटी के पास, और वहीं पे हम ले जाएंगे आपको, क्योंकि सच में जो बनाती है बहुत तगड़ा बनाती है, और पिछले 40 साल से एक ही काम कर रही हो। अगर तुम साले कोई भी काम 40 साल तक कर लोगे, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो यू विल बी परफेक्ट इन दैट बॉडी। तुमने बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसको इग्नोर करना थोड़ा सा। यहाँ पे पिक्चर के अंदर पिक्चर, व्लॉग के अंदर व्लॉग चल रहा है दोस्तों। गोगो डैमेज हो गया है, इसको आज शाम को करूंगा, इसकी पट्टी पुट्टी हल्दी के। हाँ, इसको कुछ करना पड़ेगा। अरे यार इसका खर्च में थोड़ी थोड़ी कपड़ा खड़े होके जाना है। चले फिर इसको खोल ले फिर से। नहीं नहीं मत खोलो, ठंडे मर जाओगे अभी। अरे भाई क्या खोल रही यार, बंद कर वे। अरे भाई हो गए, बहुत ज्यादा ग्लव्स व्लव्स लेके आने चाहिए थे मेरे को, पर कतई मम्मी ठंडी मम्मी याद आ गई रे। मेरी मम्मी वैसे ही वीडियो देख रही होगी, बोल रही होगी मम्मी ऐसे टेंशन वाली बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है वीडियो में दिखाने के लिए ना, वैसे ठंड तो है थोड़ी सी, पर थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग है। और टूरिस्ट मजे लेते हुए। हेलो भाई लोग, सब बढ़िया चल रहा है? एक नंबर। हेलो दीदी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी। भाई लोगों एक बात बताऊं तुम्हें, साइंस की बात बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपका ठंड हो जाती है, आपको ठंड लगती है, ठंड में होते हो तो आपका दिमाग थोड़ा काम कम करने लग जाता है, ऐसा क्यों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा फिजिक्स वाला करता है, हर बार बताएगा नहीं आंसर कुछ भी, बस ऐसे बोलेगा देखो दोस्तों ये जादू है, अब इसका आंसर बता दो। अरे भैया हमको जादू आता, हमें आंसर आता तो चाचा चौधरी हम तुम्हारी वीडियोस देख रहे होते क्या? तो मैं भी वही कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ ज्ञान। तो मैं तो कैसे ही फिजिक्स वाले के बारे में बोल सकता हूँ, बिकॉज दैट गाय हैव डिड समथिंग ग्रेट मैन। एंड व्हाट इज दैट ग्रेट? दैट ग्रेट इज ही मेड श्योर दैट कि ये जो आई आई टी की प्रिपरेशन के लिए लाखों रुपए लगते हैं, जैसे मैंने भी आई आई टी धनबाद से मैं ग्रेजुएटेड हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी वहाँ पे तो मेरे को लगते थे कितना 60,000 रुपीज पर ईयर देने पड़ते थे प्रिपरेशन के लिए, और फिजिक्स वाला वही 40,000 में दे रहा है, तो यार ये तो बहुत तगड़ी बात है। कैसे हो?
बढ़िया ठास तो कई दिनों बाद सुनो फोल करा दिया वापस से हमारी आंटी और अंकल के पास और वापस से हम सिड्डू खाने आए हैं। सही बात है क्योंकि सिड्डू खाना चाहिए बैस से ठंडे में तो सिड्डू खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल खाना चाहिए कल छह 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 कर दो हाँ पाँच छह गोगो किधर है गोगो गोगो वो आ गया गोगो थोड़ा दिखा दे कि क्या हो गया जिप्सी के साइड। ओहो हो ये देख सकते हो विकास कपूर ने हमें लाइट दी हम उसके शुक्र गुजार हैं। भाई खोल देना इसको लैला ओ लैला ये है मॉर्निंग व्यू और सुनो देखो पैरों में कितनी कितनी चली गई है। ओ भाई फिसलने के चांसेस और होते हैं इसमें तो समझ रहे हो। और सबसे पहले हम हमारी ये जो लाइट है रात वाली ये बंद करते हैं रात को थोड़ा सा जला के रखते हैं। हेलो गोगो व्हाट्सअप जी फाइनली करवा दी। खुश हो मैं खुश हूँ। देखा ये ड्रम पता नहीं कहाँ से निकल के गिरा अपने आप। हाँ वो इसी की थी। हमारे भाई जी आ चुके हैं चाहे ठंड हो चाहे बर्फ गाय का देसी दूध आ ही जाता है बर्फ में भी आ जाता है। दो फुट पड़े चार फुट पड़े चार, आज वैसे कितनी फुट पड़ी है? आज तो बस आधा फुट है। आधा फुट ही है भाई देखो आधा फुट बर्फ पड़ चुकी है और आज अभी भी दिखा रहा है ना वैसे आज रात को भी दिखा रहा है। आज रात को भी बारिश होने वाली है सॉरी बर्फ गिरने वाली है। और अगर अभी तक ये हमारी प्रॉपर्टी है आज आपको हम अच्छे से दिखाएंगे प्रॉपर्टी। चलो ये एरिया कॉमन बाथरूम है इसके ऊपर हमने डिजाइन किया पेंटिंग किया। यू लुक सो गुड बिकॉज वी बिलीव दैट एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल इफ दे आर ब्यूटीफुल फ्रॉम द हार्ट। ये देखिए हमारे भाई दीपक की हिमाचली कपल वाली गाड़ी। आपको एक जादू दिखाऊं हाँ। अगर इसके ऊपर आप पानी डालोगे ना वो भी जम जाएगा अभी नहीं माइनस में नहीं है नहीं फिर भी जम जाएगा पता नहीं। कल परसों जो आए थे उन लोगों का जम गया था। अच्छा क्या पानी पानी का फीलिंग समझ रहे। ये है भाई की गाड़ी इसी गाड़ी में इनका घर है और इसमें तुम्हारा घर जाएगा रे। 1 BHK घर है इसी में। ये देखो सारा सामान भर रखा है इसी में टमाटर प्याज खीरा सोने लेटने का सब जगह है। आप फन के लिए क्या रख रखा है इसमें एंटरटेनमेंट के लिए क्या रख रखा है? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं कुछ नहीं नो एंटरटेनमेंट इन लाइफ। इतनी सी गाड़ी में खाने का हो रहा है वही बहुत है। क्यों फिर शुरू हो गई? हाँ शुरू हो गई वापस से। भाई को सपने आ रहे हैं। ये है हमारी कैजुअल मंकी प्रॉपर्टी। इसके दो रूम आगे हैं और सामने देख रहे हो इसके जस्ट सामने ये व्यू। ये है दो रूम्स हमारी प्रॉपर्टी के कैजुअल मॉन्क से और इसके सामने ही तगड़ा व्यू है। ये है कैफे इसके अंदर आप खाना पीना खा सकते हो रेस्टोरेंट टाइप का है। और इसके जस्ट ऊपर जो है वो चार रूम और हैं तो टोटल 6 रूम है हमारे। वैसे देखो भाई की गाड़ी का क्या हाल हो चुका है। ओह माय गॉड लग गई कैसे क्या हुआ। ये है हमारी लैला
लैला भी फुल लैला पगला चुकी है लैला भी, और ये हमारा भगीरा। आज मैं स्टोरी जोबरी की नहीं, स्टोरी टेलर्स की स्टोरी बताना चाहूंगा। तो हमारे साथ है वन एंड ओनली विकास कपूर। हेलो गाइस। नाम में कपूर है लेकिन खानदान का अमीर है नहीं इनका। तो, और ये है हमारे हिमाचली कपल्स। तो मतलब ये अकेले तो हाँ, ये अभी कपल के साथ नहीं आए, लेकिन हिमाचली कपल्स इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। और पॉइंट ये है कि भैया ये खुद में तो चुल थी, अपने बेचारी बीवी को भी परेशान करते हैं। क्या है कि गाड़ी में बैठा के आगे दे, गाड़ी में इन्होंने बना रखा है सोने सोने की जगह, तो पूरा कंट्री घूम रहे हैं। तो इनकी स्टोरी और इनके बारे में हम जानेंगे।